वेलकम टू एबीसी कैंपस आर सब्जेक्ट इज कैफ थ्री बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर थर्टीन मैनेजमेंट एंड एलेवंथ वीडियो ऑन रिमूवल ऑफ चीफ एग्जेक्टिव एंड कंपीटिंग बिजनेस बाई चीफ एक्जैक्टिव फ्रॉम माई कैप स्टडी डेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ काशिफदील सो अगर एक चीफ एग्जैक्टिव की परफॉर्मेंस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेटिसफाइड नहीं हैं और वो उनको रिमूव करना चाहते हैं या फिर मेम्बर सेटिसफाइड नहीं है और वो रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसीजर लॉ में गिवन है और उसकी जो रूल्स हैं वो क्या हैं तो यहां पर जो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं पहले उनकी तरफ चलते हैं चीफ एग्जेक्टिव मे बी रिमूव थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड जो ये थ्री मोड एट एनी पॉइंट इन टाइम रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोविजन इन द आर्टिकल और इन हिज अपॉइंटमेंट टू द कॉन्ट्रेरी यानी अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि चीफ़ एग्जिव पूरे तीन साल के लिए अपॉइंट होगा और फिर भी उससे पहले आप उसको रिमूव कर सकते हैं इसी तरह अगर चीफ एग्जिव के साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है कि उसकी अपॉइंटमेंट तीन साल के लिए है तब भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं गहरी बात है कि अगर फिर उससे पहले रिमूव करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट तो जा रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होगी उसके डैमजेस देने पड़ जाएंगे बट स्टिल रिमूवल पॉसिबल होगा तो ये नहीं है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो रिमूवल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है फिर भी रिमूवल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होगी या नहीं होगी ये एक सेपरेट क्वेश्चन होगा सो क्या तरीकेकार हैं चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव करने के पहला तरीक़ेकार तो है कि अगर मेंबर रिमूव करना चाहते हैं तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दें इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी यानी सेवेंटी फाइव परसेंट डायरेक्टर्स अगर रिमूव करना चाहते हैं बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग सपोर्टेड बाय एटलीस्ट थ्री फोर्थ ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यानी इसमें भी सेवेंटी फाइव परसेंट बाई गेंट और मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द वोटिंग राइट्स आर हेल्ड बाय द गवर्मेंट तो अगर गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी के सेवेंटी फाइव परसेंट वोटिंग राइट्स हैं और तो और उन्होंने वो चीफ एग्जेक्टिव नॉमिनेट भी उन्होंने किया होगा तो वो उसको रिमूव भी कर सकते हैं तो तीनों मोड्स में जो कॉमन पॉइंट है वो है सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ मेंबर्स रिमूव कर सकते हैं सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ डायरेक्टर रिमूव कर सकते हैं और सेवेंटी फाइव परसेंट पावर अगर गवर्नमेंट के पास है शेयर्स की तो वो भी रिमूव कर सकती है जहां पर उन्होंने नॉमिनेट किया तो हमारे पास एक पास्ट एग्जाम है छोटा सा टू मार्क्स का द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ असाम टेक्सटाइल लिमिटेड इज नॉट सेटिसफाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ इट चीफ एक्जेक्टिव ऑफिसर एंड वॉन्ट टू रिमूव इन फ्रॉम इज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इज टर्म ऑन थर्टी फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑप्शन एवलेबल टू एस टी एल फॉर रिमूवल ऑफ सी ई अंडर द अबव सिचुएशन अब टिपिकल कंपनी के अंदर गवर्मेंट वाला पॉइंट हमें लिखने की जरूरत नहीं है तो बाकी अगर हम देखें तो रिमूव किया जा सकता है बिफोर एक्सपायरेन नॉट विटैंडिंग यानी रिगार्डलेस ऑफ एनी थिंग कंटेड इन द आर्टिकल और एनी एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड चीफ एग्जैक्टिव तो बोर्ड रेजोल्यूशन भी जिसमें सेवेंटी फाइव परसेंट अगर डायरेक्टर्स जो है रिमूव करना चाहते हैं और स्पेशर रेजोल्यूशन स्पेशर रेजोल्यूशन तो बाई डेफिनेशन ही सेवेंटी फाइव परसेंट वोटिंग को रिप्रेजेंट कर रही होती है एटलीस्ट तो इसके थ्रू रिमूव किया जा सकता है एक और क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए बी सी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ ट्वेल्व डायरेक्टर्स द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ ए बी सी लिमिटेड वॉज फॉर अ टर्म ऑफ थ्री ईयर्स it was specifically mentioned in his contract that he shall not be terminated before the expiry of term of his office. the directors are not satisfied with the performance of chief executive and want to remove him. can they remove the chief executive in presence of such clause in the contract? yes, they can remove uh, or still remove hosakta or kis, kis remove karnataka directors agar karna chahate, remove. तो थ्री फोर्थ ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे नाइन डायरेक्टर्स तो आंसर डायरेक्टर्स एटलीस्ट नाइन टोटल दे में डिसाइड टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल कॉलिंग एन एक्सट्राडनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लास लिखी हुई भी है तब भी रिमूवल हो सकता है हाँ ये अलग बात है कि इस तरह का रिमूवल करने से कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो जाएगी और अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो जाएगी तो उसके फाइनेंशियल डैमेजेस पे हो जाएंगे नथिंग एल्स एक और एग्जांपल है जी हमारे पास ब्रेवो प्राइवेट लिमिटेड शेयर होल्डर्स प्राइवेट कंपनी है तो टू शेयर होल्डर्स हो सकते हैं पब्लिक होती तो मिनिमम तीन होते ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर नॉमिनीज ऑफ दीज टू शेयर होल्डर्स द डिटेल्स आर एज फॉलो एक तो है जी टियारा लिमिटेड जो ख़ुद भी एक लिस्टेड कंपनी है लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और उनके शेयर्स हैं सिक्स पॉइंट जीरो थ्री मिलियन और पांच डायरेक्टर्स उन्होंने नॉमिनेट किए हैं दूसरे हैं जी जुनेद साहब और उन्होंने जी टू पॉइंट नाइन सेवन मिलियन शेयर्स होल्ड करते हैं और तीन जो है वो डायरेक्टर्स उन्होंने नॉमिनेट किए हुए हैं इंक्लूडिंग चीफ एग्जिव ये जो स्टेरिक है ये चीफ़ एग्जैक्टिव को रिप्रजेंट कर रहा है नाउ टी एल

जबकि रिमूवल करने के लिए सिक्स डायरेक्टर्स की जो है वो रिमूवल की फेवर में वोटिंग चाहिए फिर शेयर होल्डिंग की बात करें तो अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली दे सिक्सटी सेवन परसेंट शेयर तो सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर होने चाहिए तो ये क्राइटेरिया भी मीट नहीं हो रहा तो टीएल जो है वो अपनी मर्जी का डायरेक्टर जो चीफ एग्जेक्टिव जो है वो अपॉइंट नहीं कर सकेंगे क्योंकि पुराने वाले को रिमूव नहीं कर सकेंगे हाँ पुराना वाला किसी भी तरीके से रिमूव हो जाता है तो नया अपॉइंट करने के लिए तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है फिर उनके फाइव डायरेक्टर्स वुड बी इनफ लेकिन वो पुराने डायरेक्टर को रिमूव नहीं पुराने चीफ एग्जैक्टिव को रिमूव नहीं कर सकते सो डायरेक्टर ऑफ कंपनी बाय रेजोल्यूशन ये तो लॉ का रूल आपने बता दिया उसके बाद जी सिक्स डायरेक्टर्स हों या थ्री फोर्थ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हो Since TL has only five nominee directors on the board of PAL and has 67% shareholding, it cannot remove the existing chief executive without the support of Junaid or his nominee director. तो Junaid के साथ बात कर लें और वो उनको allow कर देते हैं, तो फिर तो हो सकता है अकेले खुद TL के पास ये power नहीं है कि वो existing chief executive को remove कर सके। Example 55 है जी हमारे पास रिमूवल ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव की बात हो रही है फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव ऑफ रियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी आर नॉट सेफाइड विद हिस्स पर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जमीर एंड एक्सप्लेन हाउ ही कैन बी रिमूवड तो जो फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव होती है उसकी टर्म ऑफ ऑफिस होती है फर्स्ट uh, एजीएम और अनलैस के शॉर्टर पीरियड रखा गया हो तो फर्स्ट ए जी एम तक का टाइम है अनलैस के शॉर्टर पीरियड हो और उससे पहले वो रिज़ाइन कर देता है या कोई और वजह से डिसक्वालीफाई हो जाता है वो एक अलग बात होगी तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी वो एक्सप्लेन हो गया उसके बाद ये कि क्या उसको रिमूव किया जा सकता है यस ही कैन बी रिमूव्ड तो उसके लिए तो फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव हो या सबसिक्वेंट चीफ एग्जेक्टिव हो सेम ही क्राइटेरिया है कि थ्री फोर्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर दैट इज़ सेवेंटी फाइव परसेंट और बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन दैट इज अगेन्वेंटी फाइव परसेंट नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग इन आर्टिकल तो और एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड चीफ एग्जेक्टिव तो एग्रीमेंट और आर्टिकल में लिखा हुआ भी है कि जी उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता तब भी टर्मिनेट किया जा सकता रिमूव किया जा सकता फिर जी चीफ एग्जैक्टिव के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन ध्यान में रखना है कि सिर्फ तब हैं जब एक पब्लिक कंपनी इन्वॉल्व होगी इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी अ चीफ एग्जैक्टिव हिस्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड टू एंगेज इन असनेस ऑफ दिच इज्जेक्टिव और विद एनी तो अगर एक शख्स एक पब्लिक कंपनी में चीफ एग्जेक्टिव है तो उस पब्लिक कंपनी का जो बिजनेस है या उस पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का जो बिजनेस है ऐसा कंपीटिंग बिजनेस ना वो खुद कर सकता है ना उसके स्पाउस ना उसके माइनर चिल्ड्रन और एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जेक्टिव इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज टू द कंपनी इन राइटिंग द नेचर ऑफ टच बिजनेस एंड हिज इंटरेस्ट देर इन तो अगर अपॉइंटमेंट के टाइम पर उसका कोई ऐसा बिजनेस हो तो उसे अपॉइंटमेंट के टाइम पर उसे डिस्क्लोज करना चाहिए बताना चाहिए कोई भी जो उसका ऐसा बिजनेस है नेचर ऑफ बिजनेस है और उसका जो उसमें इंटरेस्ट है तो वो बताना उसके लिए लाजमी होगा अब रिस्ट्रिक्शन है कि कैरी ऑन नहीं कर सकते पहले कोई बिजनेस रहा हो तो वो भी डिस्क्लोज करना है सो so इस पर अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं Fry Limited an unlisted public company is engaged in the business of manufacturing and sale of plastic bottles. In Lahore, FL is planning to appoint Mahar as the chief executive of company. During an interview with Gulmahar, he disclosed to the board that his son Sultan, who is a business graduate, is engaged in the business of selling plastic bottles. So this is a competing business. इन मुल्तान गुल मह आल्सो डिसक्लोज टू द बोर्ड दट हीस प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू सुल्तान विदाउट एनी चार्ज तो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन टेक्निकल असिस्टेंस तो वो तो मना नहीं किया हुआ अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी दैट एक्सप्लेन वेदर एफ एल कैन अपॉइंट गुल महर एज चीफ एक्जिव ऑफ द कंपनी तो ना चीफ एक्जेक्टिव हिम कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है ना उसके स्पाउस ना उसका माइनर चिल्ड्रन अब यहाँ पर जो सन है वो एक बिजनेस ग्रेजुएट है तो सीन्स नाट माइनर तो बिजनेस ग्रेजुएट की एज टिपिकली ट्वेंटी ईयर्स और अबव होती है और गुलमहर इज़ डेफिनेटली अ लाइव इन दिस सनेरियो सो इट मीन्स के कोर्ट ऑफ वॉर्ड वाली सिचुएशन भी नहीं होगी तो सीन्स लाइक like के सुल्तान जो है वो माइनर नहीं है और माइनर नहीं है तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती गुलमहर में भी अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीटिव ऑफ द कंपनी A chief executive of a public company shall not directly or indirectly engage in any competing business with the business carried on by the company of which he is a chief executive. A business shall be deemed to be carried on indirectly by the chief executive if the same is carried out by his spouse or any of his minor children. In the given scenario, Sultan is not a minor son of Gulmahar. Therefore, Gulmahar is eligible to be appointed as chief executive of the company. Next question is example 57.

स्पाउस ऑफ मिस्टर इमरान इज द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ फाहर टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड तो यहाँ पे देखें कंपीटिंग बिजनेस है हामिद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड नाम से पता चल रहा है कि टेक्सटाइल का बिजनेस है और मिस्टर इमरान की जो वाइफ हैं वो भी आ, एक टेक्सटाइल बिजनेस को रन कर रही हैं तो स्पाउस के थ्रू हो तो वो इनडायरेक्टली रन समझा जाता है तो इस क्राइटेरिया की बेस पर तो मिस्टर इमरान के ऊपर ऑब्जेक्शन वैलिड है और उन्हें अपॉइंट नहीं किया जा सकता है एज चीफ एग्जैक्टिव दूसरा है जी मिस्टर इमरान इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकरेज क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में तो स्टॉक ब्रोकरेज वाला रूल अप्लाई होता है और एक डिफॉल्टर ऑफ द लोन टू शेड्यूल बैंक वाला भी अप्लाई होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला तो लिस्टेड कंपनी की सूरत में अगर स्टॉक ब्रोकरेज में इन्वॉल्व है तो तब भी एज चीफ एग्जैक्टिव अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती ना डायरेक्टर के तौर पर और ना फिर चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्टर के लिए वही चीफ एग्जेक्टिव के लिए नंबर थ्री मिस्टर इमरान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एच टी एम एल अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे शर्त है कि मेंबर होना चाहिए लेकिन चार एक्सेप्शन है जिसमें क्रेडिटर्स ने जहाँ पे नॉमिनेट किया हुआ हो या किसी बॉडी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ हो होल टाइम एम्प्लाई हो या फिर चीफ़ एग्जेक्टिव हो तो क्योंकि बात जो हो रही है वो चीफ एग्जेक्टिव के लिए हो रही है तो मेंबर होना ज़रूरी नहीं है चीफ एग्जैक्टिव वाली सूरत में एक एक्सेप्शन है कि मेंबर नहीं भी होगा तो अपॉइंटमेंट हो सकती है तो so ये आंसर बनते हैं इन आंसर्स की तरफ चलते हैं यही आंसर्स यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हम सिर्फ कंक्लूजन को फोकस कर लेते हैं सिंस मिस्टर इमरान वाइफ इज़ चीफ एग्जैक्टिव ऑफ एफ टी एम पी एल ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एस सी ओ ऑफ एस टी एम एल क्योंकि कंपीटिंग बिजनेस है फिर इसी तरह है कि जी क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो मिस्टर इमरान इज़ नॉट एलिजिबल फॉर बिकमिंग द सी ई ऑफ आर्मी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड तीसरा पॉइंट ये है कि अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ एग्जैक्टिव इवन इफ ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी तो डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, में मेंबर होना ज़रूरी है लेकिन चार एक्सेप्शन हैं जिसमें से एक, एक एक्सेप्शन चीफ एग्जैक्टिव वाली भी है तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्शन है ये वैलिड नहीं है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे